जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट 2020 तक के लिए टाल दी गई है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसकी वजह तैयारियों में कमी बताई है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। घाटी में हालात बेहद खराब होने की वजह से इन्वेस्टर्स समिट टाली गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अक्टूबर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट 2020 तक के लिए टाल दिया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि समिट में निवेशकों की भागीदारी के लिए जरूरी तैयारियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। समिट अगले साल कराई जाएगी तो निवेशकों की भागीदारी के लिए जरूरी समय मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 12 से 14 अक्टूबर के बीच घाटी में इन्वेस्टर्स समिट कराए जाने का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि इस समिट में 2000 से ज्यादा निवेशक हिस्सा लेंगे, मगर इस समिट का अगले साल तक के लिए टलना जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। समिट टलने की सबसे बड़ी वजह घाटी के हालात हैं। तकरीबन 45 दिन गुजर जाने के बावजूद यहां जिंदगी पटरी पर नहीं आ सकी है। कारोबारी अभी भी श्रीनगर में दुकानें नहीं खोल रहे हैं। स्कूल खुल रहे हैं लेकिन वहां बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। बागीचों में सेब तैयार है लेकिन कारोबारियों को खरीदार नहीं मिल रहे। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवा भी नहीं शुरू की गई है। इन हालात में इन्वेस्टर्स समिट कराना जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता था, लिहाजा तैयारियों का हवाला देकर इसे टाल दिया गया है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।